नमस्कार पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है मौसम की अपडेट लेकर हम सोलन से आपके साथ है। लाइव जुड़े हुए हैं तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं सभी दर्शकों का आज का दिन शुभ हो भगवान से ये हमारी यही प्रार्थना है माता रानी से यही प्रार्थना है और एकादशी की सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इस वक्त सोलन से हम मौसम के अपडेट लेकर आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं और मैदानी क्षेत्रों में जिस तरह से धूप पड़ रही है धूप खिल रही है उसकी वजह से प्रदेश के पहाड़ अब गर्म होने शुरू हो गए हैं मैदानी क्षेत्रों की में जिस तरह से मौसम पिछले काफ़ी दिनों से साफ बना हुआ है तो उसका असर पहाड़ों में देखने को मिल रहा है पहाड़ों का लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है प्रदेश की राजधानी शिमला का अधिकतम तापमान बुधवार को 21 डिग्री सेल्सियस से रिकॉर्ड किया गया है और वर्ष दो के बाद तापमान में वहां पर बढ़ोतरी देखने को मिली है पहली करीब छः वर्ष बाद शिमला का नवंबर के महीने में तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से रिकॉर्ड किया गया है इससे पूर्व यदि हम बात करें वर्ष दो हजार की तो वर्ष दो हजार में नवंबर के दौरान अधिकतम तापमान इक्कीस सेल्सियस दर्ज किया गया था रिकॉर्ड किया गया था तो उसके बाद तापमान में पहली बार बढ़ोतरी देखने को मिली है और नवंबर के महीने में यानी कल 22 नवंबर को शिमला का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है छह वर्ष बाद तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है और मौसम विभाग की माने तो इसकी जो वजह बताई गई है कि तापमान में क्यों बढ़ रहा है लगातार इस तरह की बढ़ोतरी क्यों हो रही है तो मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में दिन के समय धूप खिलने से रात को गर्म हवाएं पहाड़ों का रुख करती है और उसकी वजह से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है ओम प्रकाश चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं उनका हम स्वागत करते हैं और लेना लाना चेता से जुड़े हैं जिला सिरमौर जो लहसुन उत्पादन के लिए जाना जाता है उस क्षेत्र से हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका इस वक्त हम स्वागत करते हैं बालकराम डोगरा जी का भी पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है और मौसम की इस अपडेट में तो शिमला में में तापमान में कल बढ़ोतरी देखने को मिली है 21 डिग्री सेल्सियस से तापमान शिमला का रिकॉर्ड किया गया है छः वर्ष बाद तापमान में इस तरह की बढ़ोतरी हुई है मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में दिन के समय धूप खिलने से रात को गर्म हवाएं पहाड़ों की रुक कर रही है और उसकी वजह से पहाड़ों में अधिकतम तापमान में अब बढ़ोतरी दर्ज हो रही है पर पहाड़ों का तापमान अधिक बढ़ रहा है और हम पिछले काफी दिनों से भी चर्चा कर रहे हैं कि पहाड़ों की तुलना में निचले क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में इस वक्त कड़ाके की ठंड प्रदेश में पड़ रही है यदि हम बात करें न्यूनतम तापमान की हालांकि अधिकतम तापमान मैदानी और निचले क्षेत्रों में अधिकतम तापमान अधिक है पहाड़ों की तुलना में लेकिन न्यूनतम तापमान मैदानी क्षेत्रों में कम और पहाड़ों में इस वक्त ज्यादा देखने को मिल रहा है तो उसकी वजह है कि पहाड़ों मैदानी क्षेत्रों से जो गर्म हवाएं पहाड़ों का रुख कर रही है उसकी वजह से तापमान में पहाड़ों में इस वक्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है कश्यप पंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं दीपक प्रधान रोली जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं राजपूत प्रदीप जी का भी इस वक्त स्वागत है गुड मॉर्निंग जी और एकादशी की सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं हालांकि तीन चार दिनों तक अभी हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहने की पूरी संभावना है तेईस नवंबर को एक कमजोर सा पश्चिम विक्षोभ जरूर सक्रिय हो रहा है और आशा शर्मा जी हमारे साथ हमीरपुर से इस वक्त जुड़ी हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं और वीर सिंह ठाकुर जी का भी पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है संजय संजू जी का स्वागत है अमितेश वर्मा जी का स्वागत है अमितेश जी यही बात हम इस वक्त कर रहे हैं कि बारिश की अभी फिलहाल संभावना दिख नहीं रही है हालांकि छब्बीस और सत्ताईस नवम्बर को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा क्योंकि एक कमजोर सा पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है लेकिन मध्यम और उच्च पर्वतीय भागों के क्षेत्रों में यह हल्की हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है इस तरह का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है कि कुछ एक क्षेत्रों में जो मध्यम और उच्च पर्वतीय क्षेत्र है तो वहाँ पर 26 और सत्ताईस नवंबर को बारिश हो सकती है निचले और मैदानी क्षेत्रों में तो मौसम साफ रहने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है मनमोहन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं और मनमोहन सिंह जी का स्वागत है तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि प्रदेश में अगर अगर हम अधिकतम ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर तापमान माइनस में इस वक्त चला हुआ है चाहे केलोंग की बात करें तो वहाँ पर न्यूनतम तापमान माइनस दो पॉइंट सात है समदो में माइनस एक पॉइंट पांच डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और यह तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि इन क्षेत्रों में बीते दिनों बर्फबारी होने से मौसम में सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बड़ी है क्योंकि जिस तरह का मौसम है क्योंकि इन क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है पिछले दिनों तो उसकी वजह से इन क्षेत्रों में ठंडक है वो बड़ी है लेकिन जो मध्यम पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर तापमान में थोड़ी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है यदि हम बात करें और इस तरह के आजकल के मौसम में और आशा शर्मा जी बता रहे हैं कि ऊना का मौसम साफ है और आशा शर्मा जी का धन्यवाद जो उन्होंने ऊना से संबंध ऊना से संबंधित मौसम की जानकारी हमारे साथ शेयर की है उसके लिए हम उनके आभारी भी हैं धन्यवादी भी है और हर रोज प्रतिदिन आशा जी हमारे साथ हमीरपुर से जुड़ते हैं और हमीरपुर के मौसम की जानकारी इनके माध्यम से हमें मिलती रहती है उसके लिए हम आशा जी के धन्यवादी हैं यदि हम तापमान की बात करें तो आजकल के दिनों में क्योंकि नवंबर का महीना भी अब समाप्त होने वाला है दिसंबर शुरू होने वाला है और उन्ना और चंबा जिला उन्ना और चंबा का अधिकतम तापमान सेम है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो पहाड़ है जो मध्यम पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर अब तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है शिमला का हमने बताया कि शिमला में आजकल 21 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया बुधवार को 21 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया और 6 वर्ष बाद 21 डिग्री तापमान शिमला का रिकॉर्ड हुआ है छः वर्ष बाद दो दो में इक्कीस पॉइंट आठ था और मौसम कैसा है ब्रदर दीपक प्रधान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो पूछ रहे हैं तो मौसम आजकल साफ ही है क्योंकि मौसम विभाग की माने तो 25 नवंबर तक तो मौसम में वैसे भी कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है 26 और 27 नवंबर को मौसम में बदलाव जरूर देखने को मिलेगा लेकिन वो उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में और मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में बताया जा रहा है क्योंकि एक कमजोर सा पश्चिम विक्षोभ जरूर सक्रिय हो रहा है और उसकी सक्रियता का थोड़ा असर प्रदेश के मौसम में देखने को मिलेगा अब बारिश का वैसे मौसम विभाग की ओर से कोई ज्यादा पूर्वानुमान नहीं है और भरत भगत जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं जय माता दी और हमारे कतरा पुणी में सेम मौसम है इसी तरह का मौसम है और धूप खिली हुई है और हम बात कर रहे थे ऊना और चंबा के अधिकतम तापमान की तो पच्चीस है ऊना में इस वक्त ऊना मैदानी क्षेत्र है तो वहां पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है न्यूनतम तापमान में भी वहां पर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ आज जुड़े हैं श्याम बाबा जी के जन्मदिन की सभी को बधाई और आपको भी बधाई और मुकेश गुप्ता जी की तरफ से सभी दर्शकों को जो पंजाब केसरी के साथ जुड़े हैं तो श्याम बाबा के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो और पिंकू जी हमारे साथ जुड़े हैं तो बता रहे हैं कि जुब्बल का मौसम इस वक्त साफ है तो जुब्बल की जानकारी भी हमें पिंकू जी के माध्यम से ए, मिली है तो उसके लिए हम उनके आभारी हैं ऊना में पच्चीस पॉइंट चार है चंबा में भी पच्चीस पॉइंट पाँच चार ही है कांगड़ा भूतल में पच्चीस डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान बना हुआ है सुंदरनगर में चौबीस पॉइंट चार है नाहन में चौबीस पॉइंट दो है और नाहन में का तापमान मंडी में चौबीस पॉइंट एक है धर्मशाला में चौबीस डिग्री सेल्सियस है सोलन में न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है तो सोलन शिमला की तुलना में कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है और बाईस पॉइंट सात है शिमला में 21 डिग्री सेल्सियस है जो हम बात कर रहे हैं मनाली में सतारह पॉइंट पाँच इस वक्त तापमान रिकॉर्ड किया गया है कल्पा में सोलह पॉइंट नौ है केलोंग में तेरह पॉइंट तीन है कुकुमशेरी में चौदह पॉइंट नौ डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है दर्शकों से हमारा आग्रह यह भी रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करें ताकि मौसम से संबंधित जानकारी जो आपके माध्यम से हमें मिल रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तो जानकारी पहुंचेगी और सबसे बड़ी बात है कि शिमला की राजधानी में पिछले छह वर्षों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है और इक्कीस डिग्री सेल्सियस तक यह तापमान पहुंच गया है और काफी महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि हमें भी इस तरह का आइडिया नहीं था कि इस तरह का शिमला में तापमान लगातार बढ़ रहा है लेकिन जब मौसम विज्ञान केंद्र की के ओर से यह आंकड़े आए तो काफी हैरानी करने वाले भी तो देवठन एकादशी मेले की शुभकामनाएं बलबीर डॉक्टर बलबीर ठाकुर जी बद्दी से यह सभी दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं और हमारे पंजाब किसी के वरिष्ठ पत्रकार भी और बड़े भाई भी है बलबीर ठाकुर जी को भी बहुत बहुत बधाई हो राजेश यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम इस वक्त स्वागत करते हैं प्रेम सरलाटा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं और ठियोग के मौसम की जानकारी देंगे हमें की और राजेश यादव जी भी हमारे साथ पंजाब केसरी के बुलेटिन में जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान में भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है मंगलवार रात को कल्पा में न्यूनतम तापमान 2.2, मनाली में 2.7, पॉइंट भुंतर की बात करें तो 3 डिग्री सेल्सियस सुंदरनगर में 4.2, पॉइंट दो नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं किन्नौर में मौसम साफ है हैुरुम और बिधी शर्मा जी हमारे साथ है, इस वक्त, वक्त सोलन से जुड़े हैं तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है तेन सिंह तेन सिंह जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं जगमोहन जी का पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है दिनेश डोगरा जी का पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है और सुंदरनगर में चार पॉइंट दो है सोलन में पाँच पॉइंट दो है मंडी में पाँच पॉइंट पाँच है उन्ना में सात पॉइंट छः है कांगड़ा में आठ पॉइंट छः है धर्मशाला में नौ पॉइंट दो है और शिमला में अधिकतर न्यूनतम तापमान भी बढ़ा हुआ है दस पॉइंट चार डिग्री सेल्सियस शिमला का तापमान रिकॉर्ड किया गया है न्यूनतम शिमला की तुलना में सोलन भी ठंडा है मंडी भी ठंडा है और यहाँ तक कि ऊना भी इस वक्त काफ़ी ठंडा है धर्मशाला में भी शिमला से ज़्यादा इस वक्त ठंड पड़ रही है और संजीव शर्मा जी हमें लाहौल की जानकारी देने के वहाँ पर इस वक्त मौसम स्वागत है जावित्री ठाकुर जी गुड मॉर्निंग जी और संजीव शर्मा जी का भी स्वागत है प्रतिपाल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं कृतिका कार्तिक जी हमारे साथ जुड़े हैं तो मंडी में कैसा मौसम रहेगा बिल्कुल साफ रहेगा जी तिलकर जी का भी पंजाब हिस्टरी के इस बुलेटिन में स्वागत है दिनेश नारायण ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो बारिश कब तक आएगी बारिश के भी फिलहाल कोई संभावना अभी दिखती बन नहीं रही है और दिनेश डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं जगमोहन जी का पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है और लोन बशीर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं कश्मीर से तो पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में उनका भी इस वक्त स्वागत हम करते हैं और शिमला का न्यूनतम तापमान जैसे हमने बताया कि दस डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है प्रदेश में अभी तक सामान्य से प्रदेश में नवंबर के महीने में सामान्य से 10 फीसदी कम बारिश इस बार रिकॉर्ड की गई तो हम कई दिनों से इस पर अजमत शेख जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं विशाल वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी पंजाब केसरी के स्वागत है और जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि प्रदेश में दस नवम्बर को ही मौसम में बदलाव देखने को मिला था कुछ क्षेत्रों में बारिश हुई थी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस दौरान हिमपात भी देखने को मिला था तो प्रदेश में बारिश सामान्य से दस फीसदी कम बारिश अभी तक रिकॉर्ड की गई है और बाईस नवंबर तक प्रदेश में 11 मिलीलीटर बारिश ही हुई है जो सामान्य 12.2 बारिश से क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो सामान्य इस दौरान बारिश नवंबर के महीने में होती है तो बारह पॉइंट दो मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड होती है जबकि प्रदेश में भी 11 मिलीमीटर बारिश हुई है यदि हम मौसम पे एक बार फिर से नज़र दौड़ाएं तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बुधवार को छह साल बाद नवंबर महीने में अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ इससे पहले वर्ष सतारा के दौरान अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था वर्ष 2018 से 2022 तक इस अवधि में अधिकतम तापमान यदि हम बात करें तो 20 डिग्री तक ही रहा है तिलक जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं सर शारीरिक शिक्षक भर्ती कब होगी कृपया जानकारी दें आजकल बैच वाइज वैसे टीसी और अन्य की तो भर्तियां चली हुई है और शारीरिक शिक्षक की बैच वाइज भर्ती कब तक होगी तो इसके बारे में तो हम शिक्षा विभाग से जानकारी लेंगे और आपको जरूर देंगे कल तक हम पता करते हैं कि, कि यह भर्तियाँ कब तक हो रही है हालांकि बैच वाइज डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस में आजकल भर्तियाँ इंटरव्यू हुए थे पिछले दिनों और लगातार चले हुए हैं उसमें शारीरिक शिक्षक की भर्ती नहीं होगी शायद और बाकी टीस की इस दौरान भर्ती हुई है और यदि हम बात करें उधर शिमला में न्यूनतम तापमान नहन के अलावा अन्य क्षेत्रों में अधिक रहा मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार जिस तरह से हमने बताया है कि मैदानी क्षेत्रों में दिन के समय धूप खिलने से रात को गर्म हवाएं पहाड़ों की ओर रुक कर रही है और उसी की वजह से इसी तापमान में लगातार बढ़ोतरी शिमला के देखने को मिल रही है और शिमला में न्यूनतम तापमान मैदानी जिलों से काफी अधिक है हमने जिस तरह से दस डिग्री सेल्सियस शिमला का न्यूनतम तापमान भी रिकॉर्ड किया गया है और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से है जो छह वर्ष बाद पहुंचा है तो शिमला का इस वक्त यदि हम मौसम के लिहाज से बात करें तो मौसम सुहावना बना हुआ है दिन के समय भी थोड़ी गर्मी का एहसास वहां पर हो रहा है और रात के समय में भी इतनी ज्यादा ठंड शिमला में नहीं पड़ रही है जैसे मैदानी निचले और मैदानी क्षेत्रों में पड़ रही है जैसे भले ही हम ब, चाहे बात सोलन की करें ऊना की करें तो वहां पर इस वक्त ठंड शिमला की तुलना में ज्यादा देखने को मिली है और अधिकतम तापमान में की बात करें तो अधिकतम तापमान भी शिमला का को कोई कम नहीं है 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है जो छह वर्ष बाद आ, 21 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है और वर्ष दो में 21.8 अधिकतम तापमान वहां पर रिकॉर्ड किया गया था अट्ठाईस नवंबर तक अधिकांश अधिकांश जो हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी के आसार बने हुए हैं मतलब जिस तरह से हम बता रहे हैं कि छब्बीस और सताईस के बीच में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से व्यक्त किया गया है पूर्वानुमान लगाया गया है मुजामिल बशीर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं तो हम पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में आ, उनका स्वागत करते हैं और मंगलवार रात को उच्च पर्वतीय क्षेत्र केलोंग में न्यूनतम तापमान 2.7 और समदो में माइनस एक डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है क्योंकि इन क्षेत्रों में जो ऊंचाई अधिकतम ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर पिछले दिनों जो बर्फबारी हुई है और उसकी वजह से सुबह और शाम के वक्त वहाँ पर ठंडक बढ़ी है अधिकतम ऊंचाई वाले क्षेत्र Osionfish. निचले और मैदानी क्षेत्रों में इस वक्त कड़ाके की ठंड प्रदेश में पड़ रही है जबकि मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में इस वक्त तापमान में चाहे अधिकतम तापमान की बात करें या फिर न्यूनतम तापमान की बात करें तो वहां पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है तो वजह है कि मैदानी क्षेत्रों से जो हवाएं पहाड़ों की ओर जा रही है गर्म हवाएं जा रही है और उसकी वजह से तापमान में वहां पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है तो मौसम में अभी संसारिलटा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं कसोग के मौसम की जानकारी हमारे को दीपक ठाकुर जी से आई है कि कसोग में जो मौसम है तापमान है वो कम हुआ है और प्रताप सिंह जी का भी पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में हम स्वागत करते हैं नमस्कार जी पंजाब की जी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त हम सोलन से मौसम की अपडेट लेकर आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं तस्वीरें हम आपको सोलन की दिखा रहे थे प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम साफ चला हुआ है यदि हम बात करें नवंबर के महीने में तो नवंबर के महीने में केवल 10 नवंबर के आसपास ही प्रदेश में बारिश देखने को मिली थी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस दौरान हिमपात हुआ था और उसके बाद मौसम साफ बना हुआ है और सामान्य से दस फीसदी कम बारिश इस बार रिकॉर्ड की गई है लेकिन हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से मौसम साफ है धूप मैदानी क्षेत्रों में खिल रही है तो उसकी वजह से पहाड़ों में थोड़ी ठंड बढ़नी शुरू हो गई है यदि हम बात करें शिमला की तो हम जानकारी भी आपको दे रहे थे कि शिमला में अधिकतम तापमान 6 वर्ष बाद 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास से पहुंच गया है छ इक्कीस डिग्री सेल्सियस शिमला का तापमान इस वक्त हो गया है वजह है कि मैदानी क्षेत्रों में जिस तरह से मौसम साफ है और दिन के समय धूप तेज है तो गर्म हवाएं रात के समय पहाड़ों की ओर रुक कर रही है और उसकी वजह से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है शिमला का न्यूनतम तापमान भी मैदानी और निचले क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक है दस डिग्री सेल्सियस से ऊपर न्यूनतम तापमान पहुंच गया है अधिकतम तापमान इक्कीस डिग्री सेल्सियस से, है हालांकि मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से से के आसपास है अगर ऊना की बात करें तो ऊना में और चंबा चंबा में अधिकतम तापमान 25.4 25 पॉइंट से ऊपर है 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है और शिमला का जो अधिकतम तापमान हमने बताया है कि किस डिग्री सेल्सियस है अब सोलन का बाईस पॉइंट आठ डिग्री सेल्सियस के आसपास है लेकिन सोलन में जो न्यूनतम तापमान है वो पांच साढ़े पांच डिग्री सेल्सियस के आसपास है और इसी तरह ऊना का जो न्यूनतम तापमान है वो सात डिग्री सेल्सियस साढ़े सात डिग्री सेल्सियस के आसपास इस वक्त बना हुआ है तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में ऊना मंडी सोलन और कुछ नए जो निचले और मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ पर शिमला की तुलना में ज्यादा ठंड पड़ रही है न्यूनतम तापमान शिमला से बहुत ज्यादा कम है और शिमला में लगातार अब तापमान में बढ़ भी रहा है जिस तरह से बुधवार को 21 डिग्री सेल्सियस वहां पर तापमान बना हुआ था तो न्यूनतम तापमान भी शिमला का बड़ा है और मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो जो मैदानी क्षेत्रों से जो पर्वत के पहाड़ों की ओर जो हवाएं चली है गर्म हवाएं जा रही है और उसकी वजह से पहाड़ों में इस वक्त पहाड़ गर्म हो चुके हैं प्रदेश के और इस तरह का मौसम के में बदलाव देखने को मिला है मौसम विभाग की माने तो ऊंचाई और प्रदेश के